हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा घटना चक्र शॉर्ट नोट्स यूपी स्पेशल की क्लास, जो ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कराया था आपके आरओआरओ एग्जाम से पहले, जो 11 फरवरी से पहले था। लेकिन होपफुली वो शायद वीडियो बहुत नीचे चली गई होगी या आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर दोबारा एक नए सिरे से लेक्चर को शुरू करते हैं। और जिस प्रकार से घटना चक्र के सारे नोट्स को हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स में कंपाइल किया, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट को देखते हैं, उसी तरीके से आपके यूपी स्पेशल के भी नोट्स को हमने कंपाइल किया और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी को भी कंपाइल कर दिया। इंडियन इकॉनमी की कल से क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। आज उसकी पीडीएफ ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है, आप व्हाट्सएप नंबर पे जाके मैसेज करके वो ले सकते हैं, और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी मतलब यूपी स्पेशल को भी आप ले सकते हैं। और इनमें क्या होगा, आप देखोगे यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी स्पेशल है स्पेशली घटना चक्र पूर्वालोकन से रिलेटेड है हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, जो आपके आरओ मेंस में भी हेल्पफुल होगी और प्री के साथ साथ यूपी पीसीएस प्री में भी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में, और इसमें हम चैप्टर वाइज चीजों को कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूपी का परिचय। तो यूपी के परिचय के बारे में जो पहला चैप्टर दिया हुआ, उसमें जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जो उससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कंप्लीट होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या कह रहा है दोस्तों, यूपी एक परिचय, यानी उत्तर प्रदेश का जो परिचय है उसके तौर पे कहा जा रहा है कि सबसे पहला प्रश्न ही केवल ये बनता है, इतिहास को स्रोतों के आधार पे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला प्रागैतिहासिक इतिहास होता है और दूसरा ऐतिहासिक इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास का मतलब होता है दोस्तों, जहां पर हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है और ना ही हम उसके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं, यानी लिपि वगैरह भी मौजूद नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। वहीं साथ ही साथ जो ऐतिहासिक काल होता है, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी होते हैं और जिनको हम पढ़ने में भी सक्षम होते हैं, तो इसी आधार पे उत्तर प्रदेश में भी कई सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जो पाषाणिक से भी संबंधित है, जहां पे हमें लिपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं, और आगे चल के जो आधुनिक मतलब ऐतिहासिक पीरियड हुए हैं उनमें भी आपके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जैसे महाजनपद काल वगैरह के। तो ये सभी आधारों पे उत्तर प्रदेश में दोनों प्रकार के इतिहास देखने को मिलेंगे आपको। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जिनका ज्ञान हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका मतलब है कि जिसका इतिहास लिखित रूप में तो नहीं है, किताबों के या साहित्यों के रूप में लिखित नहीं है, परंतु हम कुछ साक्ष्य के आधार पर, जैसे सिक्के हो गए, ठीक है, मृदभांड हो गए, या फिर जो है कि प्रस्तर कला हो गई, इस तरीके की चीजों से हम पता कर पाते हैं उस साक्ष्य के बारे में। और वहीं जहां ऐतिहासिक काल होता है वहां पर इसका लिखित इतिहास या लिखित साक्ष्य हमारे पास साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो जैसे दूसरा प्रश्न या पहला प्रश्न ही कह दीजिए, जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पीवाईक्यूज के तौर पे, चाहे वो यूपी पीसीएस में हो, आरओआरओ में हो, प्रीलिम्स में, मेंस में, या फिर अदर एग्जाम जो यूपी पीसीएस के होते हैं, जो आयोग के द्वारा होते हैं, उसके प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसमें पूछा गया जैसे बुद्ध, नवाब, महाराज के संबंध में पर्याप्त प्रामाणिक लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन राम के संबंध में जानकारी हमें रामायण महाकाव्य से होती है, और रामायण महाकाव्य की रचना घटना के बहुत बाद हुई है, अर्थात साक्ष्य से पुष्टि नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब हो गया, एक सीधा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस घटना का जो प्रमाणिक है वो साक्ष्य से नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्ध के बारे में हमें बहुत सारे जो है कि स्तूप देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चैत्य विहार देखने को मिलते हैं, जहां जहां पे उन्होंने प्रवचन दिए उनके बारे में जानकारी है, नवाब के बारे में भी, महाराज के बारे में भी है, लेकिन राम भगवान के बारे में रामायण महाकाव्य में तो लिखा हुआ है, जो कि बहुत समय बाद लिखा गया, जिसमें हो सकता है कि साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाए कुछ चीजों की। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं इसमें, जैसे पूछा गया था कि मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, और यह नदी हिंडन थी, हिंडन नदी के किनारे था। अब यहां पर अगर हम यहां पर बात करें तो जैसे मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बताया हुआ है आपके प्री प्लस मेंस जो तपस्या बैच के नोट्स हैं उसमें क्लासेस में कराया था कि हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे उत्तरी छोर है वो आपका दैमा मतलब मांडा है, और सबसे दक्षिणी छोर आपका दैमाबाद है, सबसे पश्चिमी छोर आपका सुतकांगेडोर है, और सबसे पूर्वी छोर दोस्तों आलमगीरपुर का है, जो कि मेरठ के नजदीक हिंडन नदी के तट पर है यूपी में। तो इसलिए हड़प्पा संस्कृति के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्थल हैं और कुछ राज्य हैं, जैसे कालीबंगा की बात करेंगे, ये आपका हड़प्पा से संबंधित है, तो कालीबंगा आपको राजस्थान में मिलता है,
ठीक है, जहां पे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। लोथल की बात करेंगे, ये गुजरात में स्थित है, जहां पे आपको डॉकयार्ड या बंदरगाह के प्रमाण देखने को मिले। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये मेरठ से संबंधित है, और हुलास की बात करेंगे तो ये सहारनपुर से संबंधित है। तो आप देखिए, ये दो ऐसे स्थल देखने को मिलते हैं जो पाषाणिक या हड़प्पा संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जैसे एक मांडी, ध्यान से समझना दोस्तों, एक आपको मैंने बताया मांडा जो जम्मू कश्मीर में आता है हड़प्पा संस्कृति से, लेकिन मांडी की बात करेंगे तो ये आपके यूपी में मेरठ और सहारनपुर से सीमा साझा करता हुआ मुजफ्फरनगर एक क्षेत्र है दोस्तों। क्या है? मुजफ्फरनगर, यहां पर पाया जाता है। अब यहां पर अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे देवबंद आंदोलन से संबंधित है, तो यहां पर एक पूरी जानकारी लिख दी गई कि भाई देवबंद आंदोलन कहां पे हुआ था। अगर आप इसे देखोगे, इसकी शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद साहब ने की थी 1866 में, और इसको सामान्यतः सहारनपुर में शुरू किया गया। तो सहारनपुर में एक जगह है जिसको हम लोग ननौता भी कहते हैं, ठीक है, ननौता भी कहते हैं। सहारनपुर में एक जगह है जो शामली जिले से थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर सहारनपुर के स्टार्टिंग में ही पड़ जाता है। तो यहीं पर देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1866 में, या फिर इसे आप ननौता की जगह आप देवबंद जगह भी कह सकते हो। और इसका जो नेतृत्व था उस समय मौलाना हुसैन अहमद साहब ने भी किया था, और साथ ही साथ जैसे कि आगे चल के मोहम्मद कासिम ननौतवी आ गए थे, राशिद अहमद गंगोही भी आ गए थे, ये लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो PYQ सीरीज है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। UPPCS घटना चक्र का जो उत्तर प्रदेश स्पेशल रहता है, जैसे आपकी वो पूर्वालोकन की वॉल्यूम आते हैं ना 8, उसमें आपका उत्तराखंड और यूपी एक साथ मिक्स होकर आते हैं, तो उसमें केवल हमने यूपी के PYQ उसको शामिल किया है, ठीक। और अगर आप इसकी PDF को लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लो, वहां पर मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और वहां पर सारे नोट्स की डिटेल आपको मिल जाएगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं अगले पॉइंट को। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के लहुरादेव संत कबीर नगर को माना जाता है। जैसे क्या होता था कि इससे पहले लहुरादेव से पहले जो है कि किसी और को माना जाता था प्राचीनतम साक्ष्य, किसको माना जाता था कृषि का, जरा कमेंट सेक्शन में बता। और यहाँ पर आप देखोगे कि 9000 से लेकर 7000 BC के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किसी अन्य के साक्ष्य यूपी से प्राप्त ही नहीं हुए हैं। तो इसीलिए अब लहुरादेव को जो है कि प्रमाण के रूप में माना जाता है, जो कि चावल के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपको। अब इसके आगे अगर हम देखें, बेगम समरू 1753 से 1836 ईस्वी के दौरान इन्होंने एक चर्च का निर्माण कराया था, जो कि सरधना मेरठ में करवाया था, और ये बहुत ही फेमस माना जाता है सरधना में, मेरठ में जो सरधना जगह है वहां पे बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण कराया। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम रानी बेगम ब्रांड बेगम उन्मातुज जोहरा बानो उर्फ बहु बेगम का मकबरा। तो सिंपल से याद रखो, कई बार ये पूछा जाता है, नवाब सुजाउद्दौला के, जो कि फैजाबाद अयोध्या में बनाया गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेरे दिमाग में आ रहे थे नवाब से, ठीक है। तो बेगम जो है इनका बहु बेगम का जो मकबरा है ये कहाँ पर था, तो ये फैजाबाद में है, और अब यह पुरातत्व विभाग के अधीन है, और साथ ही साथ सिया बोर्ड द्वारा इसका मैनेजमेंट भी किया जाता है, सिया वफ बोर्ड जो है ना उसके द्वारा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे राइटर्स हुए हैं जिनको कुछ नाम दे दिए गए हैं उनके शहर से संबंधित करते हुए, जैसे जोश की बात करेंगे तो जोश मलिहाबादी, जो लखनऊ के पास या लखनऊ के ही अंदर एक छोटा सा कस्बा है मलिहाबादी, जहाँ के दशहरी आम बहुत प्रसिद्ध हैं, तो जोश मलिहाबादी हो गए। रघुपति सहाय फिराक को गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, जिगर मुरादाबादी के नाम से जाने जाते हैं, और चकबस्त की बात करेंगे तो लखनऊ के नाम से जाने जाते हैं। रघुपति सहाय फिराक की कर्म भूमि इलाहाबाद और जन्मभूमि गोरखपुर है, और इसीलिए रघुपति सहाय फिराक को गोरखपुरी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म यहां पे हुआ, लेकिन इनकी जो मुख्य कर्म भूमि थी वो आपके कहां पे थी, इलाहाबाद में थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यहां पर, और अगला पॉइंट क्या लिख रहा है, यहां पर कुछ लोगों के जन्म स्थान को मिलाया जा रहा है, जैसे अमीर खुसरो की बात करेंगे तो ये पटियाली गांव के अंतर्गत आता है, कहीं कहीं आपको किताबों में एटा देखने को मिल जाएगा एटा के अंदर, और कहीं कहीं आपको कासगंज देखने को भी मिल जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको पटियाली याद रखना है। साथ ही साथ मिर्जा गालिब की बात करेंगे तो ये आगरा से संबंधित है, और जोश की बात करेंगे तो ये मलिहाबाद से संबंधित है। नोट ध्यान रखना है कि रामचंद्र जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था 1897। ये शाहजहांपुर कहाँ पे, जो बरेली के आगे स्थित है, और 11 जून को इनको फांसी जो हुई थी 1927 में हुई थी गोरखपुर में काकोरी कांड के मामले में। तो कहने का मतलब हो गया राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को हुआ और शाहजहांपुर में हुआ था, फांसी इनको कहां दी गई, गोरखपुर में। आपको पता होगा काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे,
ठीक है, दो लोग और थे, जरा उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तो बता दूंगा लेकिन मैं देखता हूं कि आपको कहां तक याद है। अब जैसे अगला प्रश्न देखिए, यहां पर भी नोट करके लिखा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली एटा के अंतर्गत हुआ था, लेकिन जनपद कासगंज लगाया जाता है। अब देखोगे तो एटा भी एक तरीके से आपका एक जनपद हो गया है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या तो एटा या फिर कासगंज। नेक्स्ट आप देखोगे मीर तकी का जन्म, बस ये सीधा पूछ लिया गया था, मीर तकी का जन्म आगरा में हुआ था, बस ये रटने वाली चीजें हैं, इसको हम आगे डिटेल से नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, 11 जून 2021 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान शाहजहांपुर में उनकी जयंती पर मनाई गई। कहने का मतलब यहाँ पे सीधा प्रश्न क्या दे दिया गया कि जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो आजादी का अमृत महोत्सव था, ये शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म स्थान पर मनाई गई, जिसका जन्म स्थान कहाँ पर है, शाहजहांपुर में, और इनको फांसी कहां दी गई, गोरखपुर में दी गई थी। अगला यहां पे देखो कि रामप्रसाद बिस्मिल योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसको HRA कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि HRA की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1924 में हुई थी, और इसी संगठन के द्वारा 1925 में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू करते हुए काकोरी षड्यंत्र केस किया गया। काकोरी, काकोरी क्या है, लखनऊ मंडल में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जहां पर अंग्रेज जो है कि अपनी ट्रेनों में सारा सरकारी खजाना लेकर जा रहे थे, और इसको फिर लूट लिया गया भारतीयों के द्वारा। तो बहुत सारे अंग्रेजों ने इसकी आलोचना की, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने इसको राष्ट्रहित से प्रेरित जो है कि कर्तव्य बताया, और वर्तमान सरकार ने इसको स्वदेशी डकैती नहीं, स्वदेशी लूट के रूप में कहा कि भाई हम अपने देश का ही तो धन लूट रहे हैं, अंग्रेजों की क्या औकात जो हमारे सामान को लेकर चले जाए। ठीक है, तो ये चीज थी, और यही HRA आगर चल के HSRA क्या नाम बनता है आगे चल के इसका, HSRA, जो कि फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में स्टैब्लिश की जाती है। अब यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ भी है, देखिए काकोरी कांड में अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी फैजाबाद में दी गई, रोशन सिंह इनको फांसी नैनी इलाहाबाद में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी इनको फांसी गोंडा में दी गई, और राम प्रसाद बिस्मिल जी की फांसी गोरखपुर में दी गई। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार मिलान करने के लिए दे देता है कि अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई, फैजाबाद में, जबकि अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान आपका भी गोरखपुर में शुरू किया गया, वहीं रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई, नैनी इलाहाबाद में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी गोंडा में दी गई, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई। तो ये कई बार होता है इनकी फांसियों के भी बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो भाई इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है वो क्यों फेमस है, क्योंकि वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को खुद गोली मारते हुए अपने आप को शहीद कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं मरूंगा तो अंग्रेजों की गोली से नहीं, अपनी भारत माँ की गोली से, अर्थात मैं खुद अपने आप को गोली मारूंगा, और उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई की, और जब उन्हें पता चला कि आखिरी गोली रह गई है तो उन्होंने खुद को जो है कि शहीद कर लिया। तो ये होता है चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से इसे रख दिया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है, और ये BHU यूनिवर्सिटी, अगर आप लोग जानते होंगे या जो लोग वहां से पढ़ाई कर रहे होंगे किए होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारत कला भवन का संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1920 में रामकृष्ण दास ने चित्रकला के विकास से संबंधित की थी, जबकि मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में 1916 में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा चुकी थी। अब यहाँ पे कुछ आपको मंडल देखने को मिलेंगे या मंदिर, जैसे विंध्याचल मंदिर की बात करेंगे तो ये मिर्जापुर में स्थित है, विंध्याचल कॉरिडोर भी वहां पे डेवलप किया जा रहा है। देवा शरीफ पे जो मेला लगता है ये बाराबंकी में लगता है। हस्तिनापुर के नाम से अगर आप देखोगे तो मेरठ से संबंधित है, और श्रृंगवेरपुर ये आपके इलाहाबाद से संबंधित है। तो ये कई बार होता है मिलान करने के लिए आता है। अब जैसे यहां पर देखिए महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है, जो कि कानपुर के अंतर्गत है, और ये गंगा नदी के तट पर है, क्योंकि कानपुर क्या है, गंगा नदी के तट पर है। तो जो बिठूर में आश्रम स्थित था महर्षि वाल्मीकि जी का, ये गंगा नदी के तट पर था। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है, लेकिन अभी हमसे जो प्रश्न पूछा गया उसमें बिठूर को सही उत्तर माना गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे भारत माता मंदिर, जो कि वाराणसी के काशी विद्यापीठ
जो विश्वविद्यालय वहाँ का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें स्थित है। इसका निर्माण 1936 में बाबू शिव प्रसाद द्वारा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, और इसका शुभारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। यानी इसकी जो स्थापना थी 1936 में बाबू शिव प्रसाद ने करवाई थी, लेकिन इसका जो उद्घाटन किया गया, शुभारंभ, वो महात्मा गांधी जी ने किया गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा भारत माता मंदिर तो आप अपने गूगल पर देख सकते हो, या अगर बनारस में रहते हो तो जब भी जाओ वहाँ तो जरूर देख के आइए। उसमें क्या होता है, जो भारत का मैप होता है ना, उसी को देवी माँ के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। उसमें बाकायदा आपको साउथ इंडिया का पार्ट दिखेगा, हिंद महासागर, श्रीलंका, मालदीव दिखेंगे, उत्तर भारत में आपको हिमालय वगैरह की पर्वत चोटियां उठी हुई दिखेंगी, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। और ध्यान देना, उस भारत माता मंदिर में आपको पाकिस्तान वाला हिस्सा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 1936 में बन रहा है जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही देश माने जाते थे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं परेश रावल का डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सारनाथ या वाराणसी यूपी में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैसे प्रश्न पूछा गया कि भाई सारनाथ कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है, और इसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, इसको काशी भी कह सकते हो। सारनाथ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसका नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन, और 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। और जिस समय इन्होंने ये उपदेश दिया था, तब बुद्ध साहित्य में जब इसकी वर्णन किया गया था तो वहाँ पे ऋषिपत्तनम नाम दिया गया था, मतलब ऋषियों का क्षेत्र है, जहाँ पे ऋषि जो है कि तपस्या करते हैं, ऋषि रहते हैं, इसलिए उसको ऋषिपत्तनम कहा गया। आगे चल के धीरे धीरे आधुनिक काल तक आते आते इसको काशी, सारनाथ, वाराणसी इस तरीके से नाम दिए गए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे काशी के श्रेष्ठी नंदी ने यहाँ बुद्ध के लिए एक विहार भी बनवाया था, अशोक ने यहाँ यात्रा की और एक स्तूप और स्तंभ भी बनवाया, जिसमें सिंह शीर्ष अत्यधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि यही जो सिंह का शीर्ष स्तंभ बनवाया गया है, यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी बना है, अशोक का जो स्तंभ है, ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा, एक और प्रश्न, आगरा स्थित दयाल बाग राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। आपको याद होगा 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था राधा स्वामी पंथ के बारे में कि कहाँ पर है ये, तो आगरा में स्थित है, ऐसा प्रश्न भी आ जाएगा आगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा। रिपीटेड प्रश्न की मैं बात करूंगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर देखो, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी दोस्तों अकबर के द्वारा एस्टैब्लिश कराई गई, आगरा से लगभग 29 किलोमीटर दूर, जहाँ पे जोधाबाई महल है, पंचमहल है, बहुत सारे महल है, कभी जाना घूमने तो जरूर देख के आना। जौनपुर सिटी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में, जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी मृत्यु हो गई थी। आगरा सिटी की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी 1504 ईस्वी में, और जामा मस्जिद जो कि बदायूं में स्थित है, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने कराई थी। हालांकि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप यूपी के अंतर्गत जामा मस्जिद को पढ़ोगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे हैं भर्तृहरि की समाधि, यानी कि जो चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका पाई जाती है भर्तृहरि की समाधि के रूप में जानी जाती है, और यहाँ सुनवा मंडप, 52 खंबा और सौर घड़ी भी उपस्थित है। तो देखिए ऐसे ये फैक्ट है ना जो सामान्यतः किसी किताब में डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, या तो आप इसके लिए घटना चक्र को अच्छे से तैयार करो, या फिर आप परीक्षा वाणी को अच्छे से तैयार करो, या फिर आप इन शॉर्ट नोट्स को भी अगर आप रट लेते हो, क्योंकि यूपी स्पेशल के जो प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं या आरओआरओ मेंस में जो प्रश्न आते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, और अगर आप इस तरीके की चीजों को रट लेते हो तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं यूपी के। अब यहाँ पे जैसे पूछा जा रहा है कनक भवन कहाँ पे दोस्तों, तो अयोध्या में है। कामतगिरी का पर्वत कहाँ पे, तो चित्रकूट में है। कालिंजा दुर्ग कहाँ पे है, तो ये बांदा में है। और देवा शरीफ कहाँ पे है, तो बाराबंकी में है। अच्छा मुझे बताइएगा कि किस मध्यकालीन शासक की मृत्यु कालिंजा दुर्ग को जीतने के चक्कर में हो गई थी, बताइएगा जरा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है आपको, 84 गुंबद ये कहाँ पे भाई, तो ये जालौन में स्थित है। जामा मस्जिद देखिए मुरादाबाद में भी स्थित है, और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में स्थित है। अब ये डिपेंड करेगा कि एग्जाम में अगर आपको जामा मस्जिद के बारे में पूछ रहा है और वो आपको नहीं पता है कि मुरादाबाद है कि बदायूं है कि दिल्ली है, कौन सी पूछ रहा है, लेकिन बाकी अगर आपको कंफर्मेशन क्लियर है, जैसे 84 गुंबद एक ही जगह जालौन में, बौद्ध स्तूप की बात करें तो आपको सांची में भी देखने को मिलेगा, सारनाथ में देखने को मिलेगा, श्रावस्ती मिल जाएगा, कुशीनगर में मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1775 में नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या के नाम से है, इससे लखनऊ स्थानांतरित की थी और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। कहने का मतलब है कि 1775 में जो नवाब आसफुद्दौला थे, जो लखनऊ के नवाब थे, इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कहाँ की, लखनऊ। तो कहने का मतलब पहले ये लखनऊ राजधानी नहीं थी, पहले कहाँ पे थी,
फैजाबाद में थी, जो कि आज का अयोध्या कहलाता है। तो यहाँ से फिर लखनऊ स्थानांतरित की गई और सीधा ये प्रश्न बन जाता है कि भाई किस नवाब के द्वारा फैजाबाद से लखनऊ को राजधानी स्थानांतरित की गई। तो उसमें नवाब आसफ़उद्दौला का नाम आपको याद रखना होगा। फिर आगे अगर आप देखोगे, आगे ब्रिटिश रेजिमेंट हरकोर्ट बटलर ने भी इसके विकास में काफ़ी योगदान दिया। आगे चल के लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के 54.98% पे भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत किया गया। अब यहाँ पे कुछ कांग्रेस अधिवेशन है जो पूरे भारत में तो हुए ही है, लेकिन यूपी के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से अध्यक्ष थे वहाँ पे, इसको पूछा जा रहा है। जैसे 1892 में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ने की। 1905 की बात करें तो ये वाराणसी में था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। 1936 की बात करें, लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और 1946 की बात करें, जो कि मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी जी ने की थी। और इन्हीं की पत्नी सुचेता कृपलानी हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। जैसे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनती हैं, हालांकि वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं थी, पूरे भारत के लिए पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला राज्यपाल थी, तो सुचेता कृपलानी JB कृपलानी जी की पत्नी थी। अगले प्रश्न को देखें, बांदा जिला जो कि महोबा, जालौन, हमीरपुर, इन सभी से बाउंड्री शेयर करता है, बांदा वगैरह, चित्रकूट के पास, फतेहपुर के पास, यूपी में स्थित कालिंजर का किला था, बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी रह चुका है। प्राचीन काल में जजाक भुक्ति साम्राज्य के अधीन था। जजाक भुक्ति मतलब चंदेलों का जो शासक हुए करते थे, जजाक भुक्ति हम चंदेलों को ही कहते हैं, क्योंकि जालौन हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, ये सभी MP के खजुराहो से ही बाउंड्री शेयर करते हैं, और खजुराहो में जो मंदिर है, जो चंदेलों के द्वारा बनवाए गए थे, इन्हीं को जजाक भुक्ति का शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 1896 में अकबर ने इसे जीतकर बीरबल को दे दिया था, किसको, कालिंजर के किले को, लेकिन मैंने क्या पूछा, किस मुगल शासक की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, यूपी को समय समय पर दिए गए नाम जो थे, कौन कौन से नाम दिए गए। सबसे पहले इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया 1836 में, फिर उसके बाद आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया 1902 में, फिर संयुक्त प्रांत कहा गया 1937 में, और फाइनली आज का उत्तर प्रदेश नाम दिया गया 1950 में, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको परिवर्तित किया गया कि संयुक्त प्रांत हटा दो, मतलब संयुक्त प्रांत जो है कि 1937 में आ गया और यूपी फिर 1950 में कर दिया गया। और फाइनली उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको 2018 से शुरू कराया, जिसमें 24 जनवरी 2018 को यूपी दिवस मनाया गया पहली बार, और तब से हर साल 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं दूसरा चैप्टर हमारा जो शुरू हो रहा है, क्योंकि तो पहले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें यूपी का एक बेसिक परिचय था। अब क्या पढ़ेंगे, हम राजनीतिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। देख लेते हैं राजनीतिक परिदृश्य, यानी राजनीतिक स्तर पे क्या क्या गतिविधियां हुई। तो यूपी की प्रथम राज्यपाल, जो कि भारत की भी पहली महिला राज्यपाल बनी, सरोजनी नायडू जी बनी, 1947 से 49 तक थी। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है क्या दोस्तों, जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए अब यहां पर देखते हैं यूपी के जो CM बने हैं 24 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे कि यूपी के प्रथम CM की बात करेंगे, जो ध्यान देना, अब प्रथम CM में आप लोगों को क्या करना, सरोजनी नायडू को याद नहीं रखना, क्योंकि वो तो 47-49 तक थी। जब उत्तर प्रदेश आपका 24 जनवरी 1950 के नाम से बनता है, तब जो हमारे उत्तर प्रदेश के पहले CM बनते हैं वो गोविंद वल्लभ पंत जी बनते हैं, और इन्हीं के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई पंत नगर में। ध्यान देना, पंत से ही पंत नगर बनाया गया। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उस समय उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, हालांकि इसको सन 2000 में अलग कर दिया गया। तो आज वर्तमान में गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर के मामले में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है ये, और इन्हीं के नाम पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आगे देखते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, 1973 से 75 तक जो है कि लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और नारायण दत्त की बात करेंगे, 76 से 89 तक ये मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि ऑप्शन आए हुए थे कि कौन यूपी का पहला CM था, इसलिए वहां पे इनकी डिटेल्स भी बना दी गई है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्रियों के ही क्रम पूछे जा रहे हैं लेकिन काल क्रमानुसार। जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर संपूर्णानंद जी की, तो ये 1954 से 1960 थे। और सुचेता कृपलानी जी, जो कि यूपी की पहली मुख्य महिला थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ
पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है 1963 से 67 तक। चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे जो कि अभी भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया इनको, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और बागपत जिले से संबंधित है। 1967 से 68 भी थे और 1970 से 1970 तक भी थे, सितंबर से अक्टूबर तक। और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को 1971 से 73 तक था और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के नाम से ही बनारस में इंटर कॉलेज भी चलते हैं गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग। अगला प्रश्न है आपका, त्रिभुवन नारायण सिंह की बात करेंगे तो 1970 से 71 तक और फिर राम नरेश यादव जी की बात करेंगे तो 77 से 79 तक, ये लोग यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब तक यूपी में कितनी बार महिला मुख्यमंत्री बनी है तो दो बार महिला मुख्यमंत्री बनी है, जिसमें सबसे पहले सुचेता कृपलानी 1963 से 67 और फिर मायावती बनी 1995 में पहली बार, हालांकि टोटली चार बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, चंद्रभानु गुप्त, एनडी तिवारी और मायावती ने चार बार यूपी के सीएम बनने का उपलब्धि हासिल की है। ध्यान से समझ लो कि चार बार सीएम बनने की कहानी में चंद्रभानु गुप्त भी आते हैं, एनडी तिवारी भी आते हैं जिनका नाम है नारायण दत्त तिवारी, और मायावती जी भी आती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सी महिला ऐसी है जो चार बार मुख्यमंत्री बनी है तो केवल मायावती जी का नाम आएगा, तब एनडी तिवारी जी को मत शामिल कर देना क्योंकि वो महिला नहीं है। अगला प्रश्न है, यूपी की प्रथम महिला सीएम, देखिए मैंने बताया ना 63 से 67 सुचेता कृपलानी, यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी और 1950 में बनते हैं और इन्हीं के नाम पर इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की पहली ओपन यूनिवर्सिटी को खोला गया था। जैसे भारत की ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी, इग्नू है, ध्यान देना इग्नू की स्थापना तो बहुत लेट होती है 1986-87 के आसपास होती है, लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन जी के नाम पर जो यूपी का पहला ओपन यूनिवर्सिटी खोला गया था वो उत्तर प्रदेश का ही नहीं भारत का भी पहला था। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियां भी हैं और धनुष भी है और तीर भी है। कई बार होता है ना आप देखोगे ऐसे करके जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह होता है तो यहां से आपको जो है कि देखने को मिलती है मछलियां इस तरीके से, धनुष तीर होता है बीच में, तो ये सारी चीजें भी पूछ लेता है। ऑप्शन में दिया होगा मोर, इसलिए लिखा है कि जबकि मोर नहीं था। देखिए ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न कई बार मिलान करने के लिए आ जाते हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर इन चीजों को जब नहीं पढ़ते हो तो वहां पर मात खा जाते हो और चीजों को गलत करके आते हो। नेक्स्ट अगर आप देखो कि राजकीय पुष्प टेसू जिसे हम कहते हैं अर्थात पलाश जिसे कहते हैं, राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस यानी क्रॉन्च है, और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक या फिर सीता अशोक भी आप कह सकते हो। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित राजकीय स्तर पे है। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगला इसी तरीके से प्रश्न है कि मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी बने थे जो कि बीजेपी से कैंडिडेट थे, वर्तमान में भी सतीश महाना जी अध्यक्ष हैं जो कि 2022 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए बने हुए हैं। आगे देखते हैं 2022 का जब चुनाव हुआ था योगी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है तो कुल 47 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव जीत कर आई थी जो कि सर्वाधिक महिलाएं इसमें 29 तो बीजेपी से ही थी, यानी कि पूरे विधानसभा में जो 403 सीटों की विधानसभा है ठीक उसमें आप जिसमें टोटल 47 महिलाएं आती हैं और उनमें भी 29 बीजेपी पार्टी से आती हैं। अगला प्रश्न है, 21 नवंबर 2011 को तत्कालीन बसपा सरकार ने ध्वनि मत से यूपी को चार प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव पारित किया था, जैसे अभी भी देखिए यूपी को चार प्रदेशों में बांटने की बात चल रही है, तो बेसिक प्रश्न पूछ लिया गया उस समय, वर्तमान में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, अजय कुमार शुक्ला है या फिर और कोई है, तो हम लोग देख लेते हैं तो इसको जरा अपडेट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको नाम क्या लिखना होगा, श्री राज प्रताप सिंह, क्या है दोस्तों अब इनका जो नाम आ रहा है वो कौन है, राज प्रताप सिंह जी हैं, ठीक है इसको अपडेट कर लेना। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में यूपी की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 100 है, जिसमें विधानसभा से 38 सदस्य आते हैं, स्थानीय निकाय द्वारा 36 सदस्य आते हैं, शिक्षक निर्वाचन द्वारा 8 सदस्य होते हैं और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से 8 तथा राज्यपाल के द्वारा 10 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये पूरी 100 सीटों की संख्या में से पूरा डिवीजन कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं कि यूपी में किसी नगर का मेयर क्या कहलाएगा, मतलब अगर किसी नगर का जो मेयर होगा वो उस नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है, उस नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है और नगर निगम का वो पदेन सदस्य भी कहलाता है। जैसे नगर का तो प्रथम नागरिक है ही है वो मेयर, लेकिन वो नगर निगम का भी पदेन सदस्य है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। क्लियर, यूपी में 17 नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है,
नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि यूपी नगर निगम अधिनियम की धारा 4 के अधीन होता है। जैसे कई बार होता है कि क्या राजनीतिक कारणों से दिया जाता है, नहीं, तो यूपी की जो नगर निगम अधिनियम है जिसको हम कहते हैं इसकी धारा 4 के अधीन होता है, तो इसके बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताइएगा कि जो लेटेस्ट जो 17वें नंबर का नगर निगम है वो कौन सा नगर निगम था, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं नगर निगम की अगर हम बात करें, लीजिए मैंने आपका उत्तर यहीं पर दे दिया, क्लियर कर दिया है, तो यहाँ पर आपको उत्तर भी मिल जाएगा। जैसे ऑप्शन दिया होगा कि कौन कौन से नगर निगम है, तो जैसे अयोध्या नगर निगम है, मथुरा वृंदावन नगर निगम है, अलीगढ़ नगर निगम है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है और शाहजहांपुर है। ये आपका 17वीं अर्थात नया नगर निगम है जो मैंने अभी आपसे पूछा था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रामीण और नगरीय साथ ही साथ स्थानीय शासन से संबंधित क्षेत्रों की बात करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे टुंडला में नगर पालिका परिषद है, झांसी में नगर निगम होता है, मछलीशहर नगर पंचायत है, जौनपुर के अंतर्गत आती है, सैफई ये क्षेत्र समिति है। अब आप कहोगे सर ये चीजें हम कैसे याद करेंगे, 75 जिलों का अलग अलग है, तो ये वो प्रश्न है दोस्तों जो आपको निगेटिव मार्किंग के लिए मजबूर करेगा कि अगर आप इसमें उलझोगे तो निगेटिव मार्किंग में जाओगे। ऐसे प्रश्नों को हमें एलिमिनेट या यू कहे छोड़ देना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को नहीं करना चाहिए क्योंकि जानबूझ के एक जाल फेंका जाता है आयोग की तरफ से कि देखिए कौन-कौन से बच्चे इसमें फंसते हैं गलत कर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में लखनऊ में जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अभिकरण सभी हैं, यानी कि जैसे पूछ रहा कि कौन कौन से लखनऊ मौजूद है कौन से नहीं। अच्छा, त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर कौन होता है, तो जिला पंचायत होती है जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि जिला पंचायत के जो सदस्यों का चुनाव होता है ना उनका आम जनता के द्वारा डायरेक्टली किया जाता है, जो क्षेत्र की वयस्क जनता होती है अर्थात जो 18 साल से ऊपर की होती है उसके द्वारा चुना जाता है। वहीं जिला पंचायत का जो सचिव होता है मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है जिसको हम लोग CDO भी कहते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। आगे देखते हैं यूपी में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति कर सभी व्यक्तियों पर नहीं बल्कि कर निर्धारण में दायी यानी कि जो लाइबल व्यक्तियों पर ही लगाया जाता है, बाकी सभी पर नहीं लगता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा इसी क्षेत्र के निर्वाचकों में से किया जाता है। अब ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई पंचायत के चुनाव में कौन शामिल होता है, क्या गांव के सभी सदस्य शामिल होते हैं या सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं या फिर सभी जो निर्वाचन सूची में होते हैं वो शामिल होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सभी वयस्क सदस्यों को लगा के चले आते हैं जबकि ये नहीं देखते कि वो निर्वाचन सूची में है भी कि नहीं है। वोट तो वही डालेगा ना जो निर्वाचन सूची में होगा यानी वोटिंग लिस्ट में होगा, तो इसीलिए ये शब्द पे ध्यान देना है आपको। अगला पॉइंट है, संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 के द्वारा 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना ऑलरेडी कर दी गई थी। जैसे यूपी जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजन के अंतर्गत ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें आदि सम्मिलित होती हैं। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग बनती है यानी कि जिला योजना समिति कह सकते हैं यानी कि DPC डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब इसी तरीके से आगे देखते हैं यहाँ पे जनपद और मुख्यालय की बात करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर जो कि एक जनपद है और इसका मुख्यालय क्या है, नोएडा। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसी में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अलग अलग है, देखा जाए तो नोएडा क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी एक डेवलपमेंट करने की एक प्राधिकरण है जो गौतम बुद्ध नगर में डेवलपमेंट कर रही है, नई नई इंडस्ट्री को डेवलप कर रही है, अपार्टमेंट वगैरह तैयार कर रहे हैं और ऐसे ही एक न्यू डेवलप मतलब न्यू नोएडा आ जाता है तो जिसे हम कहते हैं ग्रेटर नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिबा फुले नगर की बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि अमरोहा जिला, आपने सुना होगा गढ़मुक्तेश्वर के आगे मुरादाबाद बिजनौर अमरोहा इस रूट पे, तो ये ज्योतिबा फुले नगर हो गया। संत कबीर नगर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर खलीलाबाद हो गया। सिद्धार्थ नगर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर नौगढ़ हो गया। ठीक है, और यूपी में टोटल 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं जो कि इसमें सबसे लेटेस्ट अभी बना है 18वां मंडल अलीगढ़। हालांकि हो गए हैं 3 साल हो चुके हैं लगभग इसको बने हुए, 3 से 4 साल, और शाहजहांपुर जो नगर निगम वो 17वां है जो 2020-21 में बना दिया गया था। और नोएडा की यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। कुछ और जनपद है जिनके हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं, जैसे जालौन का हेडक्वार्टर उरई में है, कानपुर देहात का हेडक्वार्टर अकबरपुर माटी में है और कुशीनगर का हेडक्वार्टर आपके पडरौना में है। पडरौना ये आपके महात्मा बुद्ध के जन्म मतलब के क्षेत्र में आता है,
जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, देहावसान हुआ था, निधन हुआ था वहां पे कुशीनगर के अंतर ही। तो यहां तक आज हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हम लोग आर्थिक परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। ये ज्यादा नहीं लगेगा, लगभग 4 लेक्चर आएंगे इसके, और यहां से आप प्रीलिम्स की चीजों को तैयार कर पाओगे सारी चीजों को। अच्छा, एक चीज और मैंने इसमें वैल्यू एडिशन करने की सोच रहा हूँ, हालांकि मैं इसको आज की क्लास में मुझे कर देना चाहिए था, वो ध्यान में नहीं आया। मैं अब सोच रहा हूँ इस क्लास को जब मैं कराऊं यूपी को, तो साथ में आपको एक यूपी का मैप भी दिखाते हुए चलूं और वहां पे उस चीज को इंडिकेट करूं। उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको यूपी का मैप भी रिविजन करने में आसानी होगी और आप चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे, विजुलाइज कर पाओगे कि कहाँ पर कौन सी चीजें इस्टेब्लिश हैं। तो ये काफी बेनिफिट रहेगा। आज की क्लास में भी करना चाहिए था लेकिन ध्यान नहीं आया दोस्तों, कोई बात नहीं। आगे से आपको जो भी आगे 3 से 4 लेक्चर मिलेंगे वो सारी चीजें हम लोग वहां पे कवर करेंगे, जिसमें हम लोग यूपी की बाउंड्री शेयर वगैरह भी देख लेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जिला किससे बाउंड्री शेयर करता है, जिससे आपकी और भी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत।